पहले वनडे में भले ही विराट कोहली बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन मैच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे जेस्चर किए जिनसे फैंस का दिल जीत लिया। भले ही कोहली अब कप्तान नहीं है, लेकिन पहले वनडे में उन्होंने लीडरशिप का भी परिचय देखकर ये दिखा दिया कि वो पहले से बेहतर होकर टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल मैच के दौरान जब वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर बल्लेबाजी करने आए तो विराट ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा अब हो रही है। हुआ यूं कि जैसे ही होल्डर क्रीज पर आए, वैसे ही कोहली खुद हेलमेट लेकर शॉर्ट लेग पर जाकर फील्डिंग करने लगे। कोहली ने ऐसा कर युवा क्रिकेटरों को एक सीख दी। आपको बता दें कि उस समय चहल हैट्रिक विकेट लेने के करीब थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने लगातार दो गेंद पर दो विकेट लिए थे। दरअसल शॉर्ट लेग पर ज्यादातर युवा क्रिकेटर्स ही खड़े रहते हैं, लेकिन विराट ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए खुद जाकर शॉर्ट लेग पर वो खड़े हो गए। कोहली के इस जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उसके बारे में खूब बातें कर रहे हैं। इस जेस्चर के अलावा कोहली ने मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा को गलती करने से भी बचाया था, जब वेस्टइंडीज की पारी के 22वें ओवर में बल्लेबाज ब्रुक्स चहल की गेंद पर पंत के द्वारा कैच पर लिए गए थे तो कोहली ने रोहित को सलाह देते हुए DRS लेने के लिए कहा था, जिसके बाद ब्रुक्स आउट करार दिए गए थे। वहीं चहल ने अब पोलार्ड को बोल्ड किया तो कोहली ने ही स्पिनर को खुलकर गेंद करने के लिए कहा था। स्टंप माइक पर कोहली की कई बातें सामने आई हैं, जिसे सुनकर फैंस काफी खुश हैं। तो वहीं कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स भी भारतीय पूर्व कप्तान के इस जेस्चर को देखकर काफी तारीफ करते दिखे। पहले वनडे की बात की जाए तो भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुधवार को खेला जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्पोर्ट्स टाइम के साथ।